तो जब विनोद से तो हम तो 10-15 साल में जान रहे हैं, ऐसे तो जब से हैं जब से हम जान रहे पूरे परिवार को जान रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, बचपन से हमारे पिताजी रहते थे, उसी से हमारा घूमता पिंदा ये सब काम होता था, काम सब बचपन में कम काम करते थे। बाबू पिताजी गुजर गए तो हम इस लाइन में आ गए। जी, मैं डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप यादव और मैं अधिवक्ता हूँ सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली, और मेरा वकालत ही मेरा पेशा है। कि मैंने PhD यहाँ 2017 में करके फिर मैं वकालत में ही चला गया, समाज के लिए कुछ देने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थे मूवमेंट वगैरह में थे, उन्होंने शाह जी को अच्छी तरह जाना। हम लोग की जो मुलाकात हुई वो सुनील जी हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से हुई और आंदोलन को लेके हुई, क्योंकि जब ये चीज़ें यहाँ पे आ रही थी JT और मोटर बोट बड़ी बड़ी, क्योंकि विरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ तो विनोद निषाद जी ने शुरू किया था। अरे उस समाज सेवक थे, सबका सेवा करते थे, कोई किसी को परेशानी आ जाता था सबका सेवा में हाजिर हो जाते थे। हमारे आंदोलनों में हमारे साथ हमेशा सहभागी रहे हैं, और जो जनपक्षधर मुद्दे जितने हैं, जो जनपक्षधर सामाजिक आंदोलन के जितने कार्य थे वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। और एक चीज़ और है कि मुझे जब ये पता चला कि वो जेल जा रहे हैं और किसी प्रकार उनको प्रारूप लगाया गया, मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर क्या कारण है, कैसे उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाया गया। लेकिन कहीं हम बारी सूत्रों के माध्यम से जब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक सक्रियता उनके विरोधियों को पच नहीं रही थी। उनकी एक चीज़ और थी कि वो मिलनसार थे, लोगों के सुख दुख में शरीक रहते थे, और ऐसे लोगों ऐसे जो हमारे साथी हैं जो जनपक्षधर मुद्दों पे सक्रिय रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसी फर्जी केसेस लगाकर फंसाने की सरकार के द्वारा आज के दौर में तो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बड़ा दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे साथी हमारे नेता विनोद निषाद जी को फंसा कर राजनीतिक कारणों से उनको जेल भेज दिया गया है। हम तो उसके ये हाल तो जानते नहीं थे कि कांड हो गया, लोग फंसाने वाले जो फंसा दिए होंगे। अरे समाज में जैसे कोई काम पूरा नैया बंद हुआ तो ही हुआ तो ही फलाना हुआ, कहीं किसी का मुसीबत हुआ उसको समझा देना, जाके उसका अपना काम धाम छोड़ के उसके में लग जाना। ये फंसाने वाला तो कानून सरकार जो इच्छा जो उसको सब समझेगा वो अपन किया होगा, और वो तो इस उस समय रहा नहीं। एक करता है चार फरसान होते हैं। जो है इस समूह का नेतृत्व करते रहे, लोगों को नहीं लगता कि विनोद जी अगर रहेंगे तो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, बिछड़े पिछड़े लूटे पीटे लोग हैं, इनका विकास होगा, इनका उत्थान होगा, ये अपने अधिकारों का मांग कर लेंगे, अपने अधिकार छीन लेंगे। इस नाते उनका जो है बुद्धिजीवियों ने दिमागदारों ने कहा तो उनका शोषण उत्पीड़न किया और उनका जो है समाज को बरगलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज निश्चित रूप से बगैर राजनीतिक पार्टी के बुद्धिजीवियों के बगैर तो किसी के साथ ऐसी इतनी बड़ी घटना घटित नहीं हो सकती है। वो बनारस में मैं अपने घर में आके देखा कि जिस तरह से विनोद निषाद और उसके भाइयों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन की, इसमें मिलीभगत कह लो और जो सत्ता में है मंत्री उसमें सीधे रूप से इन्वॉल्व है। इस सरकार का मंत्री सीधे रूप में इन्वॉल्व है कि एक भाई की हत्या होती है और उसी के केस में दूसरे भाई को तीन तीन को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिनकी बेल कैंसिल होती है। इतने बड़े पैमाने पे हम क्या कहें, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। कहते हैं कि जज के पास लोग न्याय लेके जाते हैं, जब जज जनता से ही न्याय मांग रही है तो ज्यूडिशरी इसका मतलब पूरा करप्ट हो चुकी है, और मीडिया क्या दिखा रही है। उन्होंने समाज और इस जो है शहर के हर मुद्दे की लड़ाई जो है बढ़ चढ़ के लड़ी थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में छात्रों की लड़ाई हो, चाहे वो बिजली बिल की माफ़ी को लेके हो, चाहे बिजली का जो है निजीकरण को लेके हो, चाहे वो गंगा पे लग रहे गुंडा टैक्स को लेके हो, सबकी लड़ाई उन्होंने बहुत मजबूती से और सक्रियतापूर्वक लड़ा। विनोद निषाद से हमारी मुलाकात आंदोलन के दौरान ही हुआ था, उस समय BHU में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, 2013 की बात है जब यहाँ पे छात्र आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहे थे। करीब 4-6 दिन लोग जो है पूरी तरीके से हंगर स्ट्राइक पे थे, और उस दौरान जो है उन्होंने हम सबको आके
पूरी तरीके से मदद किया था, और न केवल अपनी उपस्थिति से हम लोगों को मदद किया बल्कि शहर के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उनको हमारे पक्ष में खड़ा किया, और जो भी रिसोर्स हमें ज़रूरत पड़ती थी वो रिसोर्स भी वो मुहैया कराते थे। तो उसी दौरान उनके आने जाने से उनके इस जो है सहयोगी भावना को देख के हम लोग मिले, और उसके बाद हमारा जो है मिलना जुलना जारी रहा, और लास्ट में हम एक संगठन और टीम की तौर पे काम करना शुरू कर दिए ताकि हम भी जो है इस देश में इस समाज में कुछ बड़ा बदलाव ला सकें। मेरा नाम कनकलता यादव है, मैं JNU से PhD कर रही हूँ और बनारस की रहने वाली हूँ, और लगातार मैं इन मुद्दों से परिचित भी हूँ जो भी बनारस में चल रहा है, घाट से संबंधित, मल्लाहों से संबंधित, तो इतना ही परिचय है मेरा। विनोद जी को वैसे मैं लंबे समय से जो भी मूवमेंट चल रहा है उसमें मैं देखती आई हूँ, पढ़ती आई हूँ, और बाकी खास तौर पर मैंने तब जाना है जब इनका पर्सनल टारगेटिंग शुरू किया गया है, और ख़ासकर से जब इनको पुलिस ने टारगेट करके बंद किया है, तो इन्हीं सब माध्यमों से मैं उनको जानती हूँ। जब जब जैसे ज़रूरत पड़ी और जैसे जैसे उनको लगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चाहे मल्लाहों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा है, वो हर जो हमारी लड़ाई चल रही थी उनमें कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ की लड़ाई लड़ी जा रही, किसान की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो गरीबों की लड़ाई है, और गरीबों एक तरह से तो मैं कहूँगा कि वो गरीबों के नेता थे, एक तरह से गरीबों के रहनुमाई करते थे, और आज कहीं ना कहीं उनको जो सज़ा मिल रही है वो गरीबों के रहनुमाई करने की वजह से ही ऐसा उनको एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, मैं उनको मल्लाहों का नेता नहीं मानता। अच्छा। मैं उनको गरीबों, मजलूमों और किसानों सबका नेता मानता हूँ। जहाँ सामाजिक न्याय की होती, जहाँ अन्याय होता था, वहाँ विरोध का स्वर या मुखर आवाज़ बन के आते थे, तो वो किसी एक विशेष मल्लाह वर्ग की आवाज़ नहीं थी। वो अगर पटेलों पर अत्याचार होता था तो आते थे, जब रेडी पटरी वालों का आंदोलन कर रहे थे तो हमारे साथ थे, हम लोग जेल भी गए, उसमें भी हमारे सहयोग किए। क्योंकि बता देना चाहता हूँ कि ये वही नेता है जिन्होंने जो गंगा पे जो है गंगा के उस पार जाने पे जो टैक्स लगता था, जो गुंडा टैक्स लगता था, उसको इन्होंने ख़त्म करवाया, और साथ ही साथ विमुक्त जो समाज है, पूरे विमुक्त समाज के लिए वो लगातार लड़ते रहे हैं। तो हमेशा जो है वो चाहे छात्रों की लड़ाई हो, चाहे मल्लाहों की लड़ाई हो, चाहे विमुक्त समाज की लड़ाई हो, चाहे वो राजभरों की लड़ाई हो, वो हमेशा जो है 17 जाति के आरक्षण को लेकर सवाल उठाते थे। कई बार हम लोग जो है कचहरी में प्रदर्शन किए, कई बार हम लोग जो है घेराव की जो है तैयारी किए, तो इन सब मसले में जो है विनोद निषाद हम लोग के साथ में रहे हैं, लड़े हैं, अपने किसी भी लाभ के लिए कभी नहीं जिया, वो हमेशा समाज और जनता और अपने देश के हित में जो हमेशा लड़ा है, हमेशा उसके लिए जिया है। आज सरकार ने जो उनको फंसाने का काम किया है वाकई में वो बहुत ही निंदनीय है। एक करता है तो उसके साथ 4 जाते हैं, सरकार का एक नियम है। अब तीनों भाई के उधर सरकार, वही ना कह रहे, सरकार के हाथ में है, सबके हिसाब से अपना काम क्या किया क्या नहीं किया है, सबके पगा हुआ है। सरकार तो देखा नहीं ना कि कौन खून किया कौन नहीं किया। अभी हम बड़े पदाधिकारी से किसी से बात कर रहे थे, BJP के नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गुमराह कर रहे हो, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं घाट पर और उन लोगों से मिल के आया हूँ, सारे लोगों से मिला हूँ घाट पर, जो है 80 घाट से लेकर के और राजघाट तक नाव से यात्रा करा हूँ, सब लोगों से मिला हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जो है प्रमोद भैया हैं, हरिश्चंद्र जी हैं, पृथ्वी साहनी हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो जिस तरह से विनोद के साथ जो व्यवहार हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि विनोद सामाजिक संगठन को ये लोग अपना नेता मानते थे, विनोद की अगुवाई में काम करते थे, विनोद लड़का अच्छा था, वह किसी भी दुर्व्यवहार को और किसी तरह से अत्याचार को सहने की उसमें शक्ति नहीं थी, वह समाज के लिए, निषाद समाज के लिए ही नहीं, पूरे बनारस के लिए लड़ता था, वो गंगा घाट के लिए लड़ता था। तो मुख्यतः अगर कहा जाए, हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें तो कास्टिस्ट कहेगी कि अपने कास्ट बेस इश्यूज को रेज करते थे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बनारसियत को जिंदा रखने के लिए उस पर काम करते थे। ये बनारस की पहचान किस, बनारस की पहचान गंगा नदी से है, यहाँ के जो एसेंस है, यहाँ का कल्चरल एसेंस जो है, मिली जुली संस्कृति उससे है, तो उसके पहरेदार के तौर पे कह लीजिए, उसके लिए संघर्षकर्ता के तौर पे कह लीजिए, उनका था कि भाई नाविक समाज पे कोई दिक्कत हो रही हो उन पे उनका कंसर्न होता था कि नहीं भाई आप ऐसे मत करिए, हमारी रोजी रोटी हमारी, वो ऐसा नहीं कि कोई, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति करते थे, वो तर्क देते थे कि भाई ये हज़ारों साल से चला आ रहा है, ये हमारा राइट है, कहीं अगर कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो रही, जैसे
कि जेटी एक होती, जेटी सब कोई हम लोग जान रहे हैं, वो नदी में एक छोटे छोटे बबल्स टाइप के होते हैं प्लास्टिक के, उनको लगा के कि आप उन पे बहुत दूर तक नदियों में जा सकें, एक नया कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जो हमारी संस्कृति रही नदी किनारे, हम उसमें हमने पूजा किया, नदी के अंदर हम अगर जा रहे हैं तो हम उसको प्रार्थना प्रार्थना कर प्रणाम करके हम जाएंगे, ये संस्कृति के थोड़ा खिलाफ माना जाता है, ये एक मॉडर्न कल्चर के तौर पर हम नदी के ऊपर चढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो इस तरह की आप परंपरा बना रहे हैं आप वो करेंगे, और नदियों में लोग फिर जो होता है नदियों में थोड़ा दूर जाने के लिए या पानी लेने के लिए या घूमने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते थे, अब वो चीज़ बंद हो जाएगी, फिर उससे एक्सीडेंट की भी संभावना है कि भाई वहाँ पे पानी गहरा हो सकता है, कोई कभी जेटी ख़राब हो गई या कोई एक्सीडेंटली गिर गया तो कैसे बचेगा वो, और फिर जो उसकी आड़ में जो हमारे परंपरागत जो नाविक थे उनका उनकी दिक्कत होनी थी, इसलिए उनका बहुत विरोध किया। माँ गंगा निषादों के साथ साथ इस देश की धरोहर है, और जो सनातन में है कि मतलब है इस गंगा का जहाँ से उद्गम है और जहाँ जाके गंगा सागर में मिल जाती है वहाँ तक निषाद हमेशा, इनसे बड़ा माँ का रक्षक कौन, और माँ निषादों का रक्षक माँ से बड़ा कौन है, इनका आपस में माँ बेटे का रिश्ता है, हमें कोई माँ से अलग कर दे तो हम तो मरना पसंद करेंगे, माँ के आंचल से हम कैसे अलग हो जाएंगे। 30-3200 परिवार यहाँ जिनका सदियों से हजारों वर्ष से माँ के ही कृपा से चल रहा है रोजी रोटी, हमने यहाँ निषादों के परिवार ने और किसी के बारे में नहीं सोचा, आज उसके रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जब किसी का रोजगार कहीं, अब किसान का अगर हम जमीन इतना सा लेते हैं तो उसका मुआवजा देते हैं, आप निषादों के सारे पानी पे अधिकार ले रहे हो, आप यहाँ नीलामी कर रहे हो, आप यहाँ कछुआ सेंचुरी कर रहे हो, आप यहाँ बोर्ड के बदले क्रूज चला रहे हो, उस तरफ जमीन है तो आप क्या दे रहे हो, उस तरफ घाट के मतलब गंगा के उस पार जो बाढ़ के बाद रेत होती है हैं, वो किसको दे रहे हो आप, उस पे निषादों का हक है, इस कछुआ सेंचुरी से कोई हिंदू धार्मिक से संगठन नहीं है, किसी वेद पुराण से उसका, उसको तो आप कहीं कर सकते हो, घाट से नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, घाट में थोड़ी जरूरी है कछुआ सेंचुरी करे। यहाँ पर जो है संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ तो निषाद पकड़े गए, उग्रवादियों को निषाद ले गए, अरे इतना हाई मास्क है आप लाइटें दे रखे हो, हाई स्पीड की बोर्ड दे रखे हो, और उनको जो है इतने अच्छे अच्छे हथियार जो है जल सेना को दे रखे हो, वो किस काम, वो कौन सा काम कर रहे हैं भाई, कैसे उस पार से उग्रवादी आ गए। आज आपको जरूरत पड़ती है तो आप कहते हो कि मुझे बजरा चाहिए, मुझे क्रूज, मुझे बोर्ड चाहिए, मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग करना है, या मेरा कोई नेता आ रहा है, आप उनको दे रहे हो, कोई इनका बात नहीं मार समाज में उठाया कि इसके साथ आखिर हुआ तो क्यों हुआ, इसका कोई न्यायिक जांच नहीं हुई, जो वास्तविक जांच होनी चाहिए वो नहीं हुई। समाज दरअसल क्या है कि ये दो जो समाज हैं, दरअसल ये समाज हर वर्ग में बटा है, हर लोगों के साथ बटा है, और हर लोग इनको गुमराहित करते हैं, चूँकि ये लोग कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग इतना सजग नहीं हो पाते हैं। 26% जनसंख्या उत्तर प्रदेश तो है ही है, इनकी जनसंख्या अगर जोड़ा जाए तो जिसे अगर देखा जाए तो जिसे जनजाति समुदाय जोड़ दिया जाए, इनके अति पिछड़े समाज के लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये देश की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन क्या है कि बेचारे ये जो जितनी समाज है, कुम्हार, लोहार, दरकार, मुसहर, बिंद, पासी, बहेलिया, गढ़िया, गोंड, खरवार, चेरू, बैगा, निषाद, बिंद, मल्लाह, ये जितनी भी जातियाँ हैं ये छोटे छोटे कुंडों में बटे हैं, और इनकी एक नेतृत्व नहीं है, एक कोई आवाज़ नहीं है, और समाज में इनकी कोई लड़ाई लड़ने का जो है पहल नहीं करता है, चूँकि तमाम राजनीतिक पार्टियाँ समझती हैं कि अगर ये समाज के लोग खड़ा हो गए तो आने वाले समय में जो मठाधीशी हो रही है वो मठाधीशी नहीं हो सकती। ये हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे निषाद समुदाय हो या जो भी समुदाय हैं, तमाम समुदाय में होता क्या है कि छोटे छोटे पार्टी, छोटे छोटे जातिगत संस्था बना लेते हैं, और ताकि ये संस्था बना कर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें और बड़ी पार्टियों को सहयोग कर सकें, पुत्र परिवार, भाई भतीजा, वंशवाद कर सकें, इस नाते ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन नाविक जो मल्लाह जाति है, मल्लाह जाति भी विमुक्त समाज का ही एक कम्युनिटी है, तो हम सबका एक पूरा एक प्लान था कि हम पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो जितने भी विमुक्त समाज के लोग हैं, चाहे राजभर हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे निषाद हो, चाहे बिंद हो, चाहे जो भी जाति जो विमुक्त समाज की हो, चाहे बावरिया हो, चाहे नट हो, चाहे जो भी हो, सबको लेके एक ओवरऑल पूरे
देश में हम लोग लड़ाई छड़ा जाएगा, उसी क्रम में हम 31 अगस्त के कार्यक्रम को आयोजित किए थे, जिसमें बढ़ चढ़ के क्या उसके पूरे अगुआ के तौर पे विनोद निषाद ने अपनी भूमिका उसमें अदा की। लेकिन कहा जाता है जहाँ नदियाँ तालाब झील वगैरह रहें, समंदर रहा है, वहाँ पे ये भारत में ये समुदाय रहा, उनका मुख्य काम मछली पालन, नौकायन यही सब रहा है। और गंगा या किसी नदी को ये माँ के रूप में पूजते हैं और पानी से भाई पानी की जातियाँ अपने आप को कहते हैं। इनके साथ न्यायिक व्यवस्था में देखें सबसे बड़ी दिक्कत आई जब अंग्रेज़ों ने इनको क्रिमिनल कास्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया। क्रिमिनल कास्ट वो कास्ट थी अंग्रेज़ों ने बनाया था 19वीं शताब्दी में, कि कुछ जातियों से इन्हें ज़्यादा खतरा था। हमारे यहाँ भाई कुछ काम जाति के हिसाब से होते हैं, तो उनको क्रिमिनल ट्राइब करके क्रिमिनल कास्ट का एक नोटिफिकेशन लगा के उनको कंट्रोल करना, उनको सप्रेस करना अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा आसान समझ में आया। और जब हम आज़ाद हुए तो वो स्टिग्मा चलाया, ठीक है डी नोटिफाइड ट्राइब्स में इनका नाम है कि भाई आप सब डी नोटिफाइड हैं, जो स्टिग्मा चलाया। अभी भी कुछ होता है तो पुलिस का कहे भाई फलाने इस जाति का उठा लो, क्योंकि पुलिस को हायरार्की मिली हुई है, वो लीगेसी मिली हुई है जो पुलिस अपनी एक ग्लोरियस हिस्ट्री पे देखिए। और समीकरण की राजनीति नहीं करते थे, समीकरण की राजनीति करनी होती तो बीजेपी कांग्रेस और बाकी दलों को ज्वाइन करके एक अच्छा खासा पद प्राप्त कर सकते थे। जैसे जैसे हम लोगों की चेतना का विकास होता गया, वैसे उनकी चेतना का जब विकास होता गया तो उन्होंने किसी के साथ मिलजुल कर और समीकरण की राजनीति करने के बजाय उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति करने के लिए और एक नई दिशा समाज को देने के लिए उन्होंने अपनी एक अलग धारा चुनी। घाट के किनारे साथी हैं, मल्ला है, नाभिक साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं जब तक वो थे तो उनके अधिकारों का एक संरक्षण होता था। आज देखिए जेटी जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से नावें आ गई हैं और चलना शुरू हो गई, ताकि वहाँ जो घाट में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी का संकट आ गया। अगर विनोद निषाद होते तो कहीं ना कहीं जो गरीबों की जो लड़ाई लड़ रहे थे, गरीबों को जो हक मारी है सरकार कर रही है, वो मुझे लगता है कि ना हो पाता। वो अग्रपंक्ति में खड़े होकर उस मुहिम को तेज करता, उस आंदोलन को राष्ट्रीयकृत करता, क्योंकि उनको मैं जानता हूँ कि जब आंदोलन का कहीं होता तो उनकी एक बहुत खूबी थी, जहाँ पर लोग होते हैं अपने अपने छोटे छोटे मुद्दे के लिए आपस में लड़ते रहते थे, वो हर लड़ाई को एक व्यापक परिदृश्य पर देखते थे। वो लड़ाई सिर्फ अगर किसानों को गए तो सिर्फ किसानों को नहीं, किसान छात्र मजदूर सबको एक कनेक्ट करके करते थे। अगर मल्लाहों की लड़ाई है तो सिर्फ ये कहते थे कि नहीं कि मल्लाहों की बस की लड़ाई है, ये आम जनमानस की लड़ाई बना के वो बनारस में भी वैसी आंदोलन को करते थे। तो फिर और इलाहाबाद में हो, आजमगढ़ हो, हर तरह वो मुद्दे को अपने जो है सही तरीके प्रस्तुत करते थे। और एक और चीज़ थी जहाँ आजकल हम होता है कि लड़ाई लड़ते एक पक्षी लड़ते हैं, सड़क में लड़ेंगे या कि संसद में लड़ेंगे या न्यायपालिका में लड़ेंगे, वो व्यक्ति ऐसे थे कि मुद्दों को समझ के साथ हर स्तर से लड़ाई लड़ते थे। वो न्यायालय में भी जाते थे, न्यायालय सहारा लेते थे और उसके बाद जनता के बीच में भी जाते थे और उनके बीच में जो आंदोलन शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करते थे, पत्रकारिता का भी एक पूरा सिस्टम करवाते थे, उसके बाद लोगों को प्रशिक्षण करने की टीम भी लाते थे, महिला पुरुष से लेकर, सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए उसके लिए भी एक पूरी व्यवस्था करते थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विनोद निषाद जी भी उन सब से प्रेरणा लेकर कि लिखने पढ़ने का भी काम करने शुरू करवाते थे, पर्चा लिखने का भी काम शुरू करवाते थे, न्यायालय में भी जाते थे और जनता के बीच में जाके एक बेहतर रणनीति के साथ आंदोलन करते थे। इसलिए सरकार हमेशा समझना पड़ेगा कि जो जनपक्षधर नेता है, जनता का नेता है, मौजूदा सरकार किसी की भी हो उसकी आँख की गिड़गिड़ी होता है, तो वो हमेशा वो सरकारें चाहे किसी की भी चाहे सरकार है, वो हमेशा जो है ना उस नेता को कुचलने की कोशिश करती हैं। और वही चीज़ बीजेपी जो स्टेट में है और केंद्र में है, कहीं ना कहीं वो लोकल लीडरशिप, उनकी जनता की स्वीकारता को सब देखते हुए कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ताकि उनको कहीं ना कहीं ये इस तरह से ख़त्म कर दिया जाए अनेक प्रकार के आरोपों से लगा। किसी भी संगठन के लिए बनाने के से पहले संगठन में एक मिशन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि आखिर हम समाज को कैसे जागरूक करेंगे, समाज को कैसे उनकी समस्या का समाधान कराएंगे, समाज किस पीड़ा से ग्रसित है, समाज को कैसे हम एक साथ एक मंच पर लाएंगे, इसका एक मिशन होना चाहिए। वो गाँव शहर शहर जिले वाइज विधानसभा वाइज ऐसे पहले हम एक मिशन चलाएं, उसका एक विज़न होना चाहिए। बगैर मिशन बगैर विजन का कोई सोचता है कि अगर हम काम तो समाज को खड़ा कर लेंगे तो कभी संभव ही नहीं है। और ये लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा करते हैं।
समाज की इनको इतना गुमराहित हो जाता है, मल्लाह चूँकि जो मल्लाह को भजा लेता है, जो मल्लाह को गुमराह कर लेता है, चूँकि जब चुनाव की माहौल होता है तो उस समय तमाम पार्टियों के तमाम नेता इनको तमाम तरीके का प्रलोभन देते हैं, तमाम तरीके का इनकी आंदोलन की बात करते हैं, इनकी समस्याओं की बात करते हैं, उस समय नाना प्रकार की समस्या भी उत्पन्न। ये गवर्नमेंट का ये ऐसा चल ही रहा है कि जो भी लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं या जो भी एक सरकार की चीज़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं, विनोद जी यहाँ पे लगातार मल्लाहों को लेकर के, बनारस के आम मसलों को लेकर के एक्टिव थे और लगातार जो है जो भी आम मुद्दे थे, बनारस के लोकल लोगों के जो मुद्दे थे, मल्लाहों से संबंधित मुद्दे थे, उस पर वो एक्टिवली काम कर रहे थे, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, तो इस वजह से उनका पर्सनल टारगेटिंग किया गया है। मुझे इसके पीछे साजिश ही लगती है, क्योंकि उनका 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक न बनना, साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं माफ़ करिए मैं प्रस्तावक नहीं बन पाऊँगा मोदी जी का, क्योंकि जिस तरह का इतिहास मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो सीधे सीधे देश को लेके सहभागी और समावेशी विकास की बात करता हूँ, एक तरफा विकास, एक तरफा कुछ लोगों का नेता बनना जिस आदमी को पसंद है वही, तो उन्होंने मना कर दिया, वो चीज़ हो गई। फिर लगातार उनका विरोध दर्ज करना, जो केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं मास्टर प्लान के तहत या गंगा नदी को शुद्ध करने के नाम पे, साफ करने के नाम पे जो योजनाएं आ रही थी, उनका विरोध करते थे, उसकी असलियत बताते थे कि इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की। देखिए बहुत बड़े पैमाने पर अगर कोई साजिश रची जाए जिसमें बड़े अधिकारी बड़े नेता अगर उसमें लिप्त हो जाए तो थोड़ा सा आसान होता है, हम चाहें तो बच सकते हैं, हम चाहें अपनी सतर्कता से या अपनी जो अदालत तो निष्पक्ष है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, न्यायपालिका में अगर हम सही तरीके से अपना प्रतिनिधित्व दर्ज करें तो हो सकता है चीज़ें हम बच सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हमारा जो एडवर्सेरियल जुडिशल सिस्टम है कि हमको सिद्ध करना पड़ता है कि मैंने अपराध नहीं किया और प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना पड़ता है कि आपने अपराध किया है, तो ये जो बीच का है रीजनेबल डाउट, तो डाउट अगर हम क्रिएट कर दें तो हम बच सकते हैं, लेकिन उससे पहले जांच के दौरान अगर शक भी है तो भी पुलिस को इतना पावर है कि हमें गिरफ्तार कर सकती है, वही हुआ उनके साथ, शक के बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया। अपील की तो मैं जान रहा हूँ संख्या कम होगी, और जो जज नियुक्त होते हैं, न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं वो कोलेजियम से नियुक्त होते हैं, अब क्या विडम्बना है ये या तो समाज तय करे, और मैं एक अध्यक्षता के तौर पर उस तरह नहीं बोल सकता हूँ कि कुछ एक घर हैं, कुछ एक घराने हैं जिसके दादा न्यायाधीश रहे हैं, वैसे ही चलते हैं, घराना बन गया है, घर से ही निकल रहे हैं, जज बन रहे हैं, घर से ही वकील बन रहे हैं, यही विडम्बना है। आप मल्ला है तो मल्ला रहिए, हल्ला मत कीजिए, ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें समाज में दबी जुबान से कही जानी है, मतलब वो चीज़ है, क्योंकि होता है ना हम एक अधिवक्ता के तौर पे जो हमारे पास प्रमाण होता है चाहे कागज़ के तौर पे चाहे कोई चीज़ प्रत्यक्ष दिखती हो हम उसके हैं, जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम संभवतः इस्तेमाल करते हैं। प्रतिनिधित्व तो कई समस्या है, यहाँ के कचहरियों में तो है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में धीरे धीरे कम से संख्या कम होती जाती है, और हम सब अपने इस नेता की रिहाई के लिए, अपने इस नेता को न्याय दिलाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विनोद निषाद मामूली आदमी नहीं है, आप उनको जो है जेल में कैद करके उनके आवाज़ को, उनके लड़ाई को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो लड़ाई, वो आवाज़ और बुलंद होगी, और एक दिन के बीच एक जो है एक प्रेरणा का स्रोत बन के हम सबको जो है लड़ने की जो एक क्षमता पैदा किया हुआ है वो क्षमता हमेशा बरकरार रहेगा, और हम अपने इस नेता को ज़रूर जो है न्याय दिला। फूलन देवी का क्या रहा है, आपने फूलन देवी की चर्चा करी तो मैं तो उनके साथ रहा, अपना छोटा भाई बना करके धर्म का भाई, उन्होंने वो राखी बांधती थी, मैं दिल्ली में 96 में जब सांसद बन के आए तो उनके साथ जुड़ा रहा, बहुत सारी यात्राएं करी, उनके साथ मैं बहुत चर्चाएं करता था, तो फूलन देवी के जीवन के साथ जिस तरह से भारत की संस्कृति के खिलाफ सामंतवादियों ने एक भारतीय नारी के साथ अस्मिता का खिलवाड़ किया, वो उन्होंने अपना उसका जो है एक उनके अंदर जो ज्वाला थी उस ज्वाला को उद्गार करते हुए उन्होंने अपना एक तरह से बदला लिया, तो उसको जो है मल्लाह बनाम ठाकुर जोड़ दिया गया राजनीति से, लेकिन मैं उसको नहीं मानता क्योंकि फूलन देवी किसी ठाकुरों की हत्या नहीं करी थी, उन्होंने उन सामंतवादियों से अपना प्रतिशोध का बदला लिया था जो उन लोगों ने उसके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था।
और वह मीडिया के द्वारा इतना प्रचारित किया गया, विदेशों में वर्ल्ड की विजिटर ने उसको निकाला था 1998 की वर्ल्ड की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में तीसरे चौथे नंबर की वो थी। तो ये बात जाने से पूरे हिंदुस्तान का जो उपजाति में बटे हुए कश्यप निषाद बिंद केवट कहाँ चाहे बातम दुरिया तियर खरवार बेलदार तुरैया झालो मालो झलुआ केवट हलुआ केवट नाम शुद्ध पत्नी गंगा सागर गंगा पुत्रा सागर पुत्रा राज पुत्रा मलैया मच्छर मच्छी मार या चाहे राजे भोई खासे भोई झीगा भोई नाम शुद्ध पत्नी या चाहे महाराष्ट्र के हमारे कोली देवरे कोली टोकरे कोली महादेव कोली हो, ये सारे लोग मानते थे कि हम फूलन देवी वाले हैं। यहाँ से यूनिटी बनना शुरू हो गई तो भारतीय राजनीति में हलचल मच गई कि आज जो अलग अलग बटे थे 18% के लोग निषाद बिंद को नहीं मानता था, बिंद केवट को नहीं मानता था, केवट कश्यप को नहीं मानता था, कोई कोली को नहीं मानता था, कोई भोली को नहीं मानता था। आज ये फूलन देवी की वजह से अगर एक हो गए तो 18% लोग जब एक जगह हो जाएंगे तो भारतीय राजनीति में एक नया युग का उदय होगा। इसके लिए बड़े लोगों ने एक साजिश के तहत फूलन देवी की हत्या करा दी और ठीक वही उसी हत्या के जैसे फूलन देवी की एक साजिश के तहत हत्या हुई उसी रूप में मैं विनोद निषाद जी का देखता हूँ, क्योंकि विनोद का जो समाज के प्रति प्यार था, अपने समाज को लेकर के जो बनारस के घाटों पर यहाँ से निकल करके कोर्ट कचहरी में या दिल्ली तक वो जाता था आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, और तेज था तर्रार था पढ़ा लिखा हुआ था जोश था उसके अंदर अच्छा था सब कुछ, तो वो समझता था तो उस अपने अधिकारों के लिए उसने लड़ाई लड़ी ना कि वो सिस्टम से टकराया। और सिस्टम को क्या लगा कि वो हमारे सिस्टम से टकरा रहा है, वो बच्चा तो अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था ना, तो सिस्टम उसको समझ रहा है कि हमारे सिस्टम से टकरा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की और सिस्टम की साजिश है कि जो आज उसकी बेल नहीं हो रही है। बाकी लोगों को समझते हैं, देखो जितनी भी पार्टियां हैं आज वो पार्टियां क्या करती हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार में क्या हो रहा है कि पार्टी टिकट देती है अगर किसी दलित और पिछड़े को, तो ये देखती है कि ये हमारा नेता पार्टी का तो है संगठन में, लेकिन जहाँ से ये टिकट मांग रहा है इसके जाति का कितना वोट है उस आधार पे टिकट बांटती है। जब कोई निषाद वहाँ से जीत के चला जाता है वही एमपी एमएलए और मिनिस्टर तो बन जाता है, लेकिन अपनी बात और समाज की बात वहाँ नहीं रख पाता जिस तरह से तूफानी निषाद या विनोद रखते हैं। देखिए इस समय तो ऐसा बहुत सा केसेस है जिसमें पुलिस ने बंद कर दिया है या पुलिस ने बंद करके एनकाउंटर कर दिया है, तो मुझे लगता है जुडिशियल लड़ाई के साथ साथ जुडिशियली तो हम लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं या उनका परिवार जो लड़ाई लड़ रहा है वो चल रहा है, लेकिन इसके साथ मास लेवल पर एक प्रोटेस्ट या सिविल सोसाइटी का जो एक प्रोटेस्ट होना चाहिए प्रॉपर वे में उसका भी बहुत ज़रूरत है, और एक सोशल लेवल पर कॉन्शियसनेस होने का ज़रूरत है कि कैसे जो हमारा नेता है जो हमारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है उसको ही अगर जेल में बंद कर दिया जाएगा तो आप और हम भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये मैसेज जो भी खास तौर पर अभी ये विनोद जी के मसले पर बात हो रही है तो बनारस की जो घाट पर की जो जनता है खासकर जो भी देखिए अभी मकानों को भी तोड़ा जा रहा है, सिर्फ ये मल्लाहों का ही मसला नहीं है और विनोद जी कोई आखिरी आदमी नहीं है जिनका पर्सनल टारगेटिंग किया गया है, बहुत सा ऐसे लोगों का पर्सनल टारगेटिंग अभी किया जाएगा। तो मुझे लगता है एक सोशल लेवल पर कॉन्शियसनेस और मास लेवल का प्रोटेस्ट का बहुत ज़रूरत है इस समय। छोड़ में नहीं।